आणि चर्चा जनहिताची। राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार धनंजय मुंडे यांच्यासह बाबा सिद्दीकी आणि झीशान सिद्दीकी यांची भेट घेण्यात आलेली आहे। काही मिनिटांची काही वेळेची ही एक गुप्त चर्चा अनौपचारिक गप्पा म्हणता येतील अशा प्रकारच्या झालेल्या आहेत। वांद्रे पूर्व मतदारसंघामध्ये हा पहिला महत्त्वाचा असा पक्षप्रवेश आपण बघतो आहोत की ज्या ठिकाणी बाबा सिद्दीकी यांच्या पक्षप्रवेशाच्या नंतर आपण प्रयत्न करणार आहोत झीशान सिद्दीकी यांच्याशी बातचीत करण्याचा। झीशान भाई, आज बाबा सिद्दीकी जी का पक्ष प्रवेश होने जा रहा है, क्या बताएंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे? नहीं, मेरे शुभकामनाएं तो मेरे पिताजी है, तो हमेशा मेरी शुभकामनाएं तो उनके साथ रहेगी है। एक बहुत ही बड़ा दिन है परिवार के लिए और आज उनकी मेरे तरफ से पूरी शुभकामनाएं है। और आज बहुत बड़ा दिन है, अच्छा लगा कि हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा और सारे मंत्री गण भी आज मेरे ऑफिस में थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे कहा जाता है कि बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलता है, तो क्या बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलेगा? देखिए, आप किस नक्शे कदम की बात कर रहे हैं? अगर वो थोड़ा बाबा सिद्दीकी जी ने पक्ष प्रवेश किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट में, तो आपका राजकीय करियर किस तरीके से अभी आगे चलेगा? जैसे मैंने कहा कि फिलहाल मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, आगे का अभी तक कुछ वो नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। और आज बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक डिप्टी सीएम होने के नाते वो अगर मेरे मतदार संघ में आते हैं तो वो मेरे ऑफिस में आए, मुझे मिले, क्योंकि इसके पहले हमारे एक ऐसे भी मुख्यमंत्री थे जो हमारे ऑफिस के कुछ ही मीटर दूर ओपनिंग रखते थे और मैं उनके साथ अलायंस में होता था, फिर भी मुझे न्योता नहीं मिलता था। नाराजगी अभी भी कारण है, अभी भी ये नाराज है। सीएम साहब भी उद्धव जी थे, शिवसेना हमारे साथ अलायंस में थी और मेरे ऑफिस के कुछ ही मीटर दूर ओपनिंग रखा जाता था सरकार की तरफ से, और मैं एक अलायंस पार्टनर का उनका एमएलए होने के नाते मुझे न्योता नहीं मिलता था। जब मैं ऑपोजिशन में भी था तो हमें न्योता मिलता था, मगर मुझे न्योता नहीं मिलता था। मैंने सीएम साहब से बात कही भी थी एक ओपनिंग में कि सर बार बार मुझे न्योता मिलता नहीं है, ये बहुत। मातोश्री भी कुछ ही मीटर अंतर पर है, मातोश्री भी कुछ ही मीटर पर अंतर पर है, क्या कभी ये शिकायत लेके जाते थे? देखिए, मेरा यही शिकायत है तो हमने कांग्रेस पार्टी में सारे टॉप लीडर्स से की, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। टॉप लीडरशिप के पास मैं हमेशा गया मगर मुझे एक ही बात हमेशा सुनने में आई थी कि नहीं, सीएम साहब का शिवसेना का नजर है इस सीट पे, तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आए दिन मैंने भी आपको तो कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूं, मैं किधर जा रहा नहीं हूं, मगर फिर भी उनके कोई प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, ये सीट तो शिवसेना की है। तो अगर आप टॉप लीडरशिप, आप अपने यंग एमएलए को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो और कोई कुछ कहता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये ऑपोजिशन में है डिप्टी सीएम साहब, मगर फिर भी वो मेरे मतदार संघ में आ रहे थे, तो एक कर्टिसी विजिट उन्होंने और उनके मंत्रीगण ने मेरे कार्यालय में की, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो ऑफिशियल प्रोग्राम्स में मुझे न्योता नहीं मिलता था। किशन जी, नाराजगी साफ झलक रही है आपके कहने से। विकास अगाड़ी में तो मैं पहले भी कहा हूं कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने अलायंस पार्टनर्स को बचाने के चक्कर में काफी उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपने टॉप लीडरशिप के पास हमेशा गया हूं कि शिवसेना, मैंने पहले भी मीडिया में कहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, पहले फंड्स को लेके, प्रोग्राम्स को लेके, जो जो इनिशिएटिव्स हम ले रहे थे, हर चीज शिवसेना क्रेडिट लेने की कोशिश करती थी, और जब भी मैं अपनी आवाज उठाता था तो टॉप लीडरशिप, जो कांग्रेस की लीडरशिप है, उनके पास जाता था। उनको पता है कि मेरे पास अन्याय हो रहा है, मगर मेरे लिए किसी ने साथ नहीं दिया। और तभी भी जब मुझे फंड का मामला था, हर एक महाविकास अघाड़ी को, एमएलए को अनेक टाइटल्स से फंड मिलता था, तभी मेरा फंड किसी और को मिल जाता था, शिवसेना के एमएलसी को मिल जाता था, तब भी अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे तो तब भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। और ये एक बड़प्पन होता है इंसान का कि कोई एक मतदार संघ में जा रहे हो तो उनके ऑफिस में जाना, नहीं तो कि आप अपने ही अलायंस के मतदार संघ वाले एमएलए को आप न्योता नहीं दो, ये छोटी सोच है। टर्म खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? टर्म खत्म होने का इंतजार कर? देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं टर्म खत्म होने की सोच रहा हूं, मैं फिलहाल मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और मैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी में ही हूं और मैंने कांग्रेस पार्टी में छोड़ने की कुछ बात की नहीं है। मेरे पिताजी आज राष्ट्रवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे उनको, मेरी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि आज अजीत दादा, प्रफुल्ल भाई, सुनील तटकरे जी, जो बड़े बड़े नेता मेरे ऑफिस में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पहली बार है, क्योंकि जब ऑफिशियल प्रोग्राम्स हमारी सरकार के होते थे
तब देखा होगा आपने कि कोई भी बड़ा नेता मेरे ऑफिस में आया नहीं और मुझे भी न्योता नहीं मिलता था ऑफिस। क्या आखिरी सवाल आपके आपके कहने से नाराजगी जो है वो साफ झलक रही। लीडरशिप से बात की, राहुल जी तो अभी यात्रा में बिजी है, उनका समय मिलना मतलब बहुत मुश्किल होता है कभी भी, तो नहीं उनसे तो बात नहीं है, मगर अलग अलग लोगों से मेरी बात हुई है जब मैं नाराजगी व्यक्त करता था। दिल्ली से भी, दिल्ली को भी पता था, वो भी कोशिशें करती, शायद से उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, शिवसेना शायद से उनकी भी नहीं सुनती थी, उन्होंने भी अभी मिलिंद द्योरा जी जब गए उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, संजय निरुपम के अगेंस्ट जी भी लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि गली और गांव के नेता से हम बात नहीं करते, हम डायरेक्ट दिल्ली के नेताओं से बात करते हैं। तो क्या है कि जो लोकल लेवल पर कार्यकर्ता है, हम सब जो कार्यकर्ता है, हमारा मनोबल टूटता है, इसीलिए थोड़ा दुख तो है। तो इसी वजह से बाबा सिद्दीकी ने आज पक्ष प्रवेश किया। देखिए बाबा सिद्दीकी जी जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने पक्ष प्रवेश क्यों किया और कैसे किया, मुझे लगता है उन्होंने स्पष्टता आप सबको की है। मैं अपने बारे में बात करूंगा, अन्याय मेरे साथ बहुत हुआ है और ये जग जाहिर है। जो लोग कहते हैं कि मैंने अन्याय के बारे में पहले नहीं बताया, आप सबको पता है कि ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला था कि ये चीजें हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। वो जो वैक्सीन्स के मामले में था या फंड के मामले में था, मैंने हमेशा मेरी आवाज उठाई है। जब हम शिवसेना के साथ सरकार में थे तब भी मैंने अपनी आवाज उठाई है, और शिवसेना के कुछ स्टेटमेंट्स के वजह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको बहुत बुरा लग रहा है। रिवेंज लिया जाएगा क्या? नहीं, रिवेंज क्या है, देखिए मैं तो लोगों के लिए काम करता हूं, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करता हूं, मेरे मतदार संघ के लिए काम करता हूं और काम करते रहूंगा। देखिए मैं अपना खुल के नाम लिया उनका, नहीं मैं खुल के हर चीज खुल के ही करता हूं, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं आज कांग्रेस पार्टी में भी खुल के हूं, मेरे को किसी से डर नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूं। दुख जरूर है कि जब मेरे साथ अन्याय हो रहा है और हो रहा था, आज आप अगर अकेले में कांग्रेस के लीडर से बात करोगे, वरिष्ठ लीडर से बात करोगे, मे बी कैमरा के सामने वो नहीं कहेंगे, मगर आप अगर उनसे अकेले में पूछोगे तो सबके सब कहेंगे नहीं जीशान के साथ गलत हुआ। लेकिन जीशान बतौर युवा नेता आपके काफी अच्छे संबंध थे, काफी अच्छी दोस्ती थी आदित्य ठाकरे से? आदित्य से तो दोस्ती थी, मगर क्या है कि मैं भी अचंभे में था कि पहले साल तो आदित्य ने काफी मतलब प्रोएक्टिव भी था दोस्ती में, मगर सिर्फ दोस्त कहलाना, कभी कभी जब मैं एमसी के पास जाता था या अलग अलग लोगों के पास जाता था तो वो कहते थे कि नहीं आपके अपने दोस्त को बोल दो ना, तो मैं एक ऐसे पोजिशन में आ गया था कि मैं तो उसको अभी भी मतलब अपना दोस्त मानता हूँ, पहले भी दोस्त मानता था उसके बाद, मगर वो मेरा गार्डियन मिनिस्टर था, उस गार्डियन मिनिस्टर होने के बावजूद मेरा या किसी का भी फोन उठाया नहीं जाता था, मतलब मुझे लगता है 50-1 कॉल कर लिए होंगे, मैंने उसने मेरा कभी फोन ही नहीं उठाया। तो मैं उसको जब कार्यक्रम में मिलता था मैं बोलता था आदित्य यार मेरा फोन तो उठा, मैं तेको किसी और चीज के लिए थोड़ी फोन कर रहा हूँ, अपने काम के लिए फोन कर रहा हूँ। तो ठीक है शायद से वो बहुत बिजी आदमी है, बड़े आदमी है, बतौर आदित्य ठाकरे जी बहुत बड़े आदमी है, वो मेरे जैसे इंसान का कैसे फोन उठाए। जो नाराजगी है साफ झलक रही है आपके बात करने से, आपने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी आपने इस मामले में बात की है, तो आप आपका राजनीतिक करियर कैसे देखते हैं, क्योंकि सबसे युवा नेता है आज आप महाराष्ट्र के। देखिए कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं चुन के आया था कांग्रेस पार्टी से, और अभी मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, आगे राजनीति में क्या होता है मुझे नहीं पता, मगर अभी मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, मगर अच्छा आज बहुत लगा कि वो लोग मेरे ऑफिस आए थे, और दुख तभी बहुत हुआ था जब मुझे न्योता नहीं मिलता था और हमारे नेता उसके बारे में कुछ कहते नहीं थे। अब भी जब मैंने कहा और अभी भी मैं कहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ रहा हूँ, तब भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं गलत गलत, मगर हमारे तौर से कोई उसका रिप्लाई देता नहीं है। आपके पार्टी के भी नेता आपके ऊपर अभी आरोप लगाते हैं कि अभी आपके पिताजी चले गए तो जल्दी आप भी चले गए। देखो दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि किसी को लोग अगर रुके हैं कि किसी की टांग खींचने के लिए, जब मेरे विरोध शिवसेना के प्रवक्ता या शिवसेना अगर स्टेटमेंट देती है तब उनको सोचना चाहिए कि नहीं एक युवा आमदार है उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। तब आप किधर थे? तब तो आपने मेरा साइड नहीं लिया, तब जब मुझे फंड नहीं मिल रहे थे तब आपने मुझे साइड नहीं लिया, जब गवर्नमेंट के प्रोग्राम शिवसेना के नाम पे हो रहे थे तब आपने मेरा साइड नहीं लिया, तो अब क्यों बोल रहे हो आप? अभी अगर तब मेरे लिए खड़े होते तो मैं जिंदगी भर भूलता नहीं, मगर तब जब मुझे जरूरत थी तब अजीत दादा ने मुझे फंड दिया, अजीत दादा ने फोन उठा के बोला कि नहीं ये आमदार है तो उसको अपने मतदार संघ का फंड मिलना चाहिए, तब किधर थे लोग? पर आपकी केंद्रीय पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में इंटरफेयर नहीं कर रही है क्या पूरी ये अवस्था जो? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अभी अभी एमएलए बना, तो मुझे ये सब नहीं पता कि महाराष्ट्र में दिल्ली में क्या कोऑर्डिनेशन है, कौन किससे बात करता है, हाई कमांड कौन है। आज तक तो मैं तो कभी कभी 70 साल के वरिष्ठ नेताओं से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि आज तक हमें नहीं पता चला कि हाई कमांड क्या है।
तो मैं किस 30 साल की उम्र में क्या समझ लूंगा। गीता जी के लिए आज क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने 48 ईयर्स अपना कांग्रेस पार्टी में दिया। कहीं ना कहीं वो नाराज है और उनकी नाराजगी जायज है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उन्होंने बहुत नीचे से शुरुआत की, एक स्टूडेंट लीडर से शुरुआत की और आज जो भी जिस पद में मैं आया हूँ, मैं बचपन से उनकी मेहनत देखते आया हूँ, जनता के प्रति उनका प्यार देखते आया हूँ और इसीलिए मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। मगर मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। जैसे आज राष्ट्रवादी में वो पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, फिलहाल मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ और मैंने कुछ कहा नहीं है। फिर भी कुछ नेता, जैसे आपने कहा कि कुछ नेता मेरे बारे में अलग चीज़ें कह रहे हैं, अभी क्या करूँ मैं जब शिवसेना के लोग कहते हैं तो हमारे पार्टी लीडर्स कुछ कहते नहीं है। अभी हमारे भी लोग शायद से कह रहे होंगे, मैं जब यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा था तब भी मुंबई कांग्रेस के सारे नेता एक साथ मेरे अगेंस्ट आ गए थे, मगर जीता तो मैं, लोगों ने तो मेरे को वोट डाला। मैं इलेक्टेड यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे 1 लाख के करीबन वोट्स मिले हैं, तब भी पूरे लोगों ने एक साथ एक मुहिम चलाई कि नहीं जीशान को हराना है यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में, मगर जनता मेरे साथ थी, जनता मेरे साथ है, जनता को पता है मैं काम करता हूँ और इंशाल्लाह काम करता रहूंगा। सर, आपके पिताजी ने कई बार बोला था, आपके पिताजी ने कई बार बोला कि मैं ऐसी कई बातें हैं जो मैं फैमिली के सामने नहीं बोल सकता, वो बातें उन्होंने? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैं और पिताजी ज्यादा राजनीति की बातें करते नहीं है, क्योंकि पूरा दिन हम काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। तो पिताजी के दिल में जो चोट है वो मुझे लगता है पिताजी से ज्यादा पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं अपनी दिल की बातें कर सकता हूँ, पिताजी अपने दिल की बातें करेंगे तो बेहतर रहेगा। त्यामुळे झीशान सिद्दीकी यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की सध्या तरी मी काँग्रेसमध्ये आहे, मात्र भविष्य काळ हा काही वेगळा असू शकतो। स्पष्टपणाने झीशान सिद्दीकी यांच्या बोलण्यातनं त्यांची नाराजी ही प्रकट करण्यात आलेली आहे, ज्यामुळे येणारा काळ हा निश्चितच महाविकास आघाडी करता, मुंबई काँग्रेस करता हा कठीण काळ असणार आहे, कारण बाबा सिद्दीकी यांच्या पाठोपाठ त्यांचे पुत्र झीशान सिद्दीकी हे सुद्धा आता काँग्रेस पक्ष सोडण्याच्या मनस्थितीत आहेत असं दिसतंय। कॅमेरामन रुपेश शेलारसह मनीषा पाठक, एबीपी माझा, मुंबई। तर एकीकडे झीशान सिद्दीकी यांनी शिवसेना, शिवसेनेचं नेतृत्व, शिवसेना ठाकरे गटाचं नेतृत्व आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाबद्दल आपली नाराजी स्पष्ट केलेली आहे। दुसरीकडे त्यांचे वडील बाबा सिद्दीकी यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश होतो आहे आणि झीशान सिद्दीकी हे सुद्धा